हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रंगो भरी दुनिया। थंबनेल देखकर तो आप जान ही गए होंगे कौन सा ब्लॉग है, तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। अभी हम लोग जा रहे हैं गुलमर्ग। आज हम लोग गुलमर्ग में ही स्टे करेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे गोंडोला राइड के लिए। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये गोंडोला राइड का एंट्रेंस गेट है। या दो आदमी के लिए जगह रखते हैं कुछ। हम लोग आ गए हैं गोंडोला राइड के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है। टिकट काउंटर यहाँ पर क्लोज़ हो गया था, तो हम लोगों को टिकट गाइड से लेना पड़ा, जो कि थोड़ा कॉस्टली पड़ा। अगर आप लोग आएँ तो आप पहले से ही बुकिंग करा के, ऑनलाइन बुकिंग करा के आएँ, वो बेस्ट रहेगा। आप देख सकते हैं ये फर्स्ट फेज गोंडोला राइड है और यहाँ पर बहुत ही कम बर्फ़ है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि सेकेंड फेज़ के लिए टिकट ले लें, क्योंकि हम लोगों ने लिया नहीं है, तो ऊपर चल के देखते हैं। फर्स्ट फेज़ गोंडोला कंप्लीट होने के बाद आपको ऐसा व्यू देखने को मिलेगा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हम लोगों ने सेकेंड फेज़ के लिए टिकट ले लिया है, तो अब हम लोग जा रहे हैं सेकेंड फेज़ गोंडोला राइड के लिए। हर जगह लाइन। हम लोग सेकेंड फेज़ गोंडोला राइड के लिए बैठ गए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं बर्फ ही बर्फ दिखाई पड़ रही है। फर्स्ट फेज़ पर तो बहुत ही कम बर्फ़ दिखाई पड़ रही थी। और नीचे आप देख सकते हैं रेस्टोरेंट भी है, जहाँ पर फर्स्ट फेज़ पर जाकर के आप लोग खाना भी खा सकते हैं। हम लोग आ गए हैं सेकेंड फेज़ पर और आप देख सकते हैं दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ दिखाई पड़ रही है, बहुत ही अच्छा व्यू लग रहा है। आप यहां पर कई तरह की एक्टिविटी इंजॉय कर सकते हैं, लाइक स्कीइंग, स्लेजिंग और स्नोमैन भी बना सकते हैं आप। हाय। सेकेंड फेज गोंडोला की क्लोज होने की टाइमिंग 5 बजे की है, तो इसलिए हम लोग नीचे जा रहे हैं। फर्स्ट फेज पर हम लोग खाना वाना खाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग होटल जाएंगे। अब हम लोग आ गए हैं होटल। यहाँ का होटल बहुत ही अच्छा है, अंदर सेंट्रलाइज हीटर भी लगा हुआ है और बाहर का आप देख सकते हैं व्यू कितना अच्छा लग रहा है। आइए आपको पूरा होटल दिखाते हैं। होटल बहुत ही अच्छे से अरेंज्ड है, हर फ्लोर पर एक सिटिंग एरिया है और नीचे डाइनिंग हॉल है। ये है डाइनिंग हॉल। और ये है फ्लोरेसेंस होटल के बाहर का व्यू, जहाँ हम लोग स्टे किए हैं। आज हम लोगों का होटल से चेकआउट है। हम लोग अपने ड्राइवर का वेट कर रहे थे, तो होटल के ओनर ने बोला कि आप लोग शॉल देख लीजिए, यहाँ पे शॉल भी मिलता है आप लोग, लेकिन शॉल बाहर से लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत कॉस्टली मिलता है। अगर आप लोग गोंडोला राइड के लिए जा रहे हैं तो आप ऑनलाइन ही बुक कर लें, जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म साइट पर जाकर, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। हम लोगों ने पहले से बुक नहीं किया था, हम लोग जब गए वहाँ पर तो टिकट काउंटर क्लोज़ हो गया था, हम लोगों को गाइड से टिकट लेना पड़ा, थोड़ा ज़्यादा अमाउंट हम लोगों को उसके लिए पे करना पड़ा, बट हम लोगों ने गाइड नहीं किया क्योंकि गाइड की वहाँ पर कोई ज़रूरत ही नहीं थी।
तो आप इसलिए पहले से ही ऑनलाइन बुक कर लेंगे तो बेस्ट रहेगा। और आप लोग गाइड बिल्कुल ना करें, मैं तो यही रिकमेंड करूँगी। और आपने अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए।